सलाम वालेकुम, मेरा नाम वीरेन है और मैं फ़सी दुबई दुबई चैनल के लिए वीडियो बनाता हूँ। ये वीडियो मेरा काफ़ी टाइम के बाद आ रहा है। बीच में मार्च मंथ की डेडलाइंस होने की वजह से मैंने कुछ अपने काम से फुर्सत ना होने की वजह से मैंने कुछ वीडियोस स्किप हो गए थे मेरे, तो वो सारे वीडियोस अभी मैं कवर जल्दी से कर लूँगा। इसके हिसाब से मैंने आज एक सबसे पहले टॉपिक लिया है, आज का अप्रैल का टॉपिक जॉब एप्लीकेशन के बारे में। जॉब एप्लीकेशन के लिए लोग अपनी सीवी बनाते हैं और सीवी बनाने के साथ साथ वो कवर लेटर बनाते हैं। कवर लेटर के साथ आप सीवी दे रहे हो तो उसका एक इम्प्रेशन अलग होता है, क्योंकि कवर लेटर में आप जिसको सीवी दे रहे हो उसको एड्रेस कर रहे हो, तो और उसमें आप सब्जेक्ट में लिख रहे हो कि आपका इंटेंशन क्या है, आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपकी स्पेशलिटीज़ क्या है, ये सारा आप कवर लेटर में मेंशन करते हो। तो इसलिए इसका कवर लेटर का इम्पोर्टेंस इसीलिए ज़्यादा है कि जिसको भी आप अप्रोच कर रहे हो, आप फेस टू फेस अप्रोच करना तो बात की बात है, मतलब आप जब फेस टू फेस मिलोगे वो मिलना होगा या नहीं होगा वो आपको मालूम नहीं है, लेकिन आप जब कवर लेटर और सीवी देते हो तो वही आपकी एक मुलाकात है। मतलब कवर लेटर रिप्रेजेंट्स यू, अगर कवर लेटर आपने दिया है और उसके साथ सीवी अटैच की है तो कवर लेटर आपकी कमी को पूरा करेगा और आप जो कहना चाहते हैं रिक्रूटर को या एम्प्लॉयर को वो कवर लेटर में आप बता सकते हैं। तो ये इस वजह से कवर लेटर बहुत ज़रूरी हो जाता है। लोग पहले क्या करते थे, सिर्फ सीवी ड्रॉप करते थे और ईमेल करते थे तो भी सिर्फ सीवी को भेज देते थे, उसमें लिख देते कि आप अटैचमेंट देख लेना, बस जस्ट सी द अटैचमेंट। तो इस तरह का ये बिहेवियर जो है वो एक सामने वाले के दिमाग में ये इम्प्रेशन करता है कि आप कुछ आप थोड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले नहीं हो और थोड़े लेज़ी हो, तो वो इम्प्रेशन ना हो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप क्या करें, कवर लेटर बनाएं, उसके साथ आप सीवी दें। कवर लेटर शुड बी इन द फ्रंट। अगर आप ईमेल से कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, तो ईमेल में आप जो मैटर है उसमें आप कवर लेटर टाइप करके अटैचमेंट में आप सीवी भेज सकते हो, तो इट रिप्रेजेंट्स, मतलब वो एक इम्प्रेशन बहुत अच्छी होती है। तो ईमेल जब करते हो तो सिर्फ ये ना लिखो कि जस्ट सी द अटैचमेंट एंड ऐसा कुछ गलत चीज़ मत लिखो, मतलब एक इम्प्रेशन अच्छी बनाओ उसके अंदर, क्योंकि आपको एक चांस मिल रहा है इम्प्रेशन बनाने का, तो वो चांस का 100% पूरा का पूरा इस्तेमाल आप किया करो। तो अगले पार्ट में मैं आप क्या कर रहा हूँ, एक्चुअली एक कवर लेटर मेरे पास आया है, एक बंदे ने बहुत अच्छी तरह से कवर लेटर बना के भेजा है, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा और उसके आगे मैं सजेशन आपको दूंगा। तो इसी स्लाइड में मैं आपको एक अगला पार्ट बताने जा रहा हूँ। हाँ, तो दोस्तों ये आप जैसे देख रहे हैं ये कवर लेटर मैंने एक बंदे से लिया है देखने के लिए और आपको दिखाने के लिए, शेयर करने के लिए। उसने कितनी अच्छे तरीके से एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया है, वर्ड में उसने कवर लेटर बनाया है और इसके अंदर देखो पूरा उसने ईमेल आईडी दिखाया है, एड्रेस दिखाया है, फ़ोन नंबर मेंशन किया है, उसका नाम मेंशन किया है और फिर वो एड्रेस कर रहा है, डियर सर मैडम, द वेरी पर्पस ऑफ दिस कम्युनिकेशन इज टू कन्वे माय इंटरेस्ट एंड इंटेंशन टू जॉइन एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सुटेबल पोस्ट एंड रिवॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी। तो उसने एक पर्पस अपना क्लियर किया है, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने मेंशन किया है कि ये मेरा पर्पस है, मतलब सब्जेक्ट लाइन जो है उसने इस पैराग्राफ में पूरी कर दी है। उसके बाद उसने लिखा है कि मैंने आपका मेरा सीवी भी अटैच किया है, आई हैव अटैच्ड द सीवी, प्लस उसने क्या दोस्तों ये ग्रामरली का मैं आपको बता रहा हूँ, गूगल में आप सर्च करना ग्रामरली, मैंने ग्रामरली का एडवर्टाइजमेंट देख के ग्रामरली सर्च करके उसको डाउनलोड किया था। और ये ग्रामरली आप डाउनलोड करोगे तो क्या होगा, गूगल क्रोम के अंदर ये देखिए ग्रामरली, एक ग्रामरली है गूगल क्रोम में इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे आपको जैसे ये गूगल का जो ये देखिए ये इसके ऊपर जी लिखा हुआ है, ग्रीन कलर का ये लोगो है, जी लिखा हुआ है, ये आपको दिखेगा और ये ग्रामरली आपके इस क्रोम के अंदर वो एम्बेडेड इंस्टॉल हो जाएगा। ग्रामरली इसमें लिखा है ग्रामरली इज़ एक्टिव, मतलब ये ग्रामर जो है ये फ्री वाला है, फ्री वाला वर्जन है, इसलिए इसमें लिखा है ग्रामरली इज़ एक्टिव बट की फीचर्स आर मिसिंग। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन
अगर ग्रामरली इंस्टॉल भी कर दिया ना तो भी ये पूरा काम ग्रामर चेक करने का और सब कुछ ये करता है ऑटोमेटिकली. सो दिस इज़ द बेस्ट हेल्प अवेलेबल फॉर अवॉइडिंग द ग्रामर मिस्टेक्स. ये बहुत अच्छी चीज़ है. हाँ, तो अपने ये वीडियो को आगे बढ़ाता हुआ और कवर लेटर के डिस्कशन के हिसाब से मैं आपको और इसके अंदर मेरे सजेशंस बता रहा हूँ. मेरा एक मेजर ऑब्जर्वेशन है, सबसे बड़ा एक ऑब्जर्वेशन है कि जब भी कोई भी जॉब एप्लीकेंट, कोई भी बंदा जो सामने वाले को ईमेल करता है, वो रिक्वेस्ट करता है कि मेरे सीवी आप देखो, मेरे सीवी को आप फॉरवर्ड करो और मुझे आप जॉब दिलाने में मदद करो, ऐसा जब भी वो किसी एचआर वाले बंदे को या किसी एडमिन वाले बंदे को या किसी फ्रेंड को या किसी भी रेफरेंस वाले को ईमेल करता है या कैसे भी तरह के अगर किसी भी मोड से वो पहुंचाना चाहता है, तो मेरा सजेशन यही है कि वो प्रॉपरली अपना कवर लेटर साथ में भेजे और अगर ईमेल करता है तो ईमेल के बॉडी में, ईमेल की जो टेक्स्ट है उसी के अंदर वो अपना कवर लेटर, अपना जो जिस तरह से उसने कवर लेटर बनाया है वो उसमें दे, बॉडी में टाइप कर दे या कॉपी पेस्ट कर दे, तो इससे एक अच्छी इम्प्रेशन बनती है. और जब आप कवर लेटर बना रहे हो, कवर लेटर में क्या होता है कि अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स की है तो वो स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं चलने वाली, क्योंकि आप नॉर्मली जब व्हाट्सएप में, जीमेल में या व्हाट्सएप में या फेसबुक में या कहीं भी यूट्यूब में, सब जगह जो भी आप टाइप करते हो तो आप धड़ाधड़ टाइप करते हो. धड़ाधड़ मतलब एकदम बकवास टाइप करते हो. क्यों? क्योंकि आपको सामने वाले की कुछ पड़ी नहीं है. अब वो समझे ना समझे, आप टाइप करके छोड़ देते हो, सामने वाला भी टाइप करके छोड़ देता है, और अगर नहीं समझ में आया तो फिर से पूछेगा, आप फिर से टाइप करोगे, वो चलता रहेगा. तो लेकिन ये जॉब एप्लीकेशन के मामले में ये नहीं चलता है. क्यों? क्योंकि एक ही बार आपको चांस मिलता है, एक ही बार इम्प्रेशन बनाने के लिए आपको मौका मिलता है और एक ही बार में आपको वो मौका पूरा का पूरा यूज़ कर लेना है. तो इसीलिए मेरा सजेशन ये है कि आप उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स ना रखो. स्पेलिंग मिस्टेक्स रखने से क्या होता है, बहुत ख़राब इम्प्रेशन पड़ता है, बहुत इम्प्रेशन नेगेटिव पड़ता है, और फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द मेन इम्पॉर्टेंस है उसका, बहुत इम्पॉर्टेंस है. आप उस इम्प्रेशन को, उस मौके को जाने मत दो. अब ग्रामर की जो स्पेलिंग की मिस्टेक, ग्रामर की मिस्टेक, ये जो भी है उसको अवॉइड करने का क्या तरीका है, उसका भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर और एक स्लाइड बना के दिखा रहा हूँ, तो वो भी आप ध्यान से देखना. मैं आपको एकदम बहुत अच्छा सजेशन इसके अंदर देने वाला हूँ जो कि फ्री में अवेलेबल है, इंटरनेट पे भी अवेलेबल है. इंटरनेट पे आप गूगल पे जाके टाइप कीजिए ग्रामरली, GRAMMARLY, ग्रामरली. ये एक सॉफ्टवेयर है, आपको वो सॉफ्टवेयर गूगल पे भी मिल जाएगा, एंड्रॉयड में भी मिल जाएगा, सब जगह मिल जाएगा. वो आप मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं, लैपटॉप में भी डाउनलोड कर सकते हैं. तो वो ग्रामरली सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. आप ग्रामरली सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए, सबसे पहले आप मोबाइल में भी डाउनलोड कर लीजिए, लैपटॉप में भी डाउनलोड कर लीजिए. जिस भी जगह पे आप यूज़ कर रहे हैं, टाइपिंग करके यूज़ कर रहे हैं कुछ भी चीज़ को, तो वहाँ पे आप ग्रामरली सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके फिर आगे बढ़िए. तो एक बार अगर आपने ग्रामरली डाउनलोड कर लिया है तो आगे क्या होगा, आगे आप जो भी चीज़ टाइप करोगे, वर्ड में टाइप करोगे या ईमेल में टाइप करोगे या जीमेल में टाइप करोगे या कहाँ पे भी, फेसबुक में या व्हाट्सएप में या कहीं भी, आप जैसे ही टाइप करोगे, अगर आपने वो वर्ड गलत टाइप किया है तो आपको इमीडिएटली उसको हाईलाइट करके वो दिखाएगा, और जैसे आप उस वर्ड पे क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे, तो वो उस वर्ड को आपको सही वर्ड उसका रिप्लेसमेंट बताएगा और आप इजीली वो रिप्लेस कर दोगे. अगर आपको स्पेलिंग नहीं आती, आपने गलत टाइप किए, तो वो रिप्लेसमेंट बताएगा, आप उसको चेंज कर दो और सही गलत की जगह पे सही हो जाएगा. तो ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन मैंने देखी है ग्रामरली, जिसकी एडवर्टाइज आ रही थी, तो मैंने भी यूज़ करके देखी. लगभग मैंने 3 महीने यूज़ करके देखी और आज तक मैं उस ग्रामरली एप्लीकेशन से बहुत फ़ायदा मेरे को मिला है. मेरे जो भी कम्युनिकेशंस है, जो भी, इवन वो फुल स्टॉप और कॉमा तक बता देता है. अगर आपने कॉमा नहीं लिखा है या फुल स्टॉप नहीं किया है या कुछ, वो भी बता देता है. अगर आपने किसी वर्ड के आगे द या अ या एन ये गलत लिखा है या नहीं लिखा है, भूल गए हो द लिखना, तो वो भी बता देगा कि यहाँ पे द लिखना है, यहाँ पे अ लिखना है, यहाँ पे एन लिखना है, सब कुछ, मतलब फुल स्टॉप, कॉमा, एपोस्ट्रोफी, सब कुछ वो परफेक्ट बता देगा आपको और वो हाईलाइट कर देगा. जैसे आप उसको, उस पर क्लिक करोगे, वो आपको सही रिप्लेसमेंट बता देगा, सही सजेशन दे देगा, आप वो कर लेना.
तो ये ग्रामरली सॉफ्टवेयर या ग्रामरली एप्लीकेशन बोलेंगे इसको, या ग्रामरली एड ऑन बोल सकते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये आपको, क्योंकि आप CV बना रहे हो, आप कवर लेटर बना रहे हो, आप ईमेल्स रोजिंदा भेज रहे हो, क्योंकि अगर आप जॉब सर्च में हो तो आप रोज़ 10 15 20 ईमेल भी कर सकते हो, तो उस मामले में आपको ये बहुत हेल्प करेगा। और ध्यान रखें कि आप जब भी ईमेल करें तो ऐसा ना लिखें कि डियर सो एंड सो, जस्ट सी माई अटैचमेंट CV ऑल, ये वो, मुझे बहुत ज़रूरत है। बहुत लोग क्या करते हैं उसमें, इतने सारे प्लीज़ लिख देते हैं, प्लीज़ 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 करके। वो ऐसा नहीं करना है आपको, ये प्रोफेशनल तरीका नहीं होता है। लोग प्लीज़ का स्पेलिंग भी PLZ 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 ऐसे लिख देते हैं। 4 बार प्लीज़ लिखने से क्या आपका वो काम कर देगा? अगर आपको जॉब की ज़रूरत है और सामने वाले को, बंदे को, आदमी की या एम्प्लॉई की ज़रूरत है, तो वो दोनों स्किल्स और रिक्वायरमेंट्स दोनों मैच होंगी तभी ये काम होगा। ऐसा नहीं कि आप प्लीज़ 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 4 बार लिख दिया और हो जाएगा, तो ये गलत इंप्रेशन है, आप वो निकाल दीजिए। प्लीज़ का स्पेलिंग भी PLEASE, जो करेक्ट स्पेलिंग है वही लिखिए ना, क्यों PLZ PLZ लिखना है? और लोग इसमें हेल्प 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 लिख देते हैं, तो ये क्या हेल्प करने का तो कोई ये प्लेटफॉर्म नहीं होता है। अगर कोई बंदा किसी को रेफ़र करता है तो सामने ज़रूरत होगी तभी वो रेफ़र करेगा, वो कोई ऑब्लाइज नहीं कर रहा है, कोई वो हेल्प नहीं कर रहा है, और आप किसी से हेल्प नहीं मांग रहे हो। अगर आप जॉब मांग रहे हो तो आप एक हक की चीज़ मांग रहे हो, तो आपको वो ये सब चीज़ें जो है ना, हेल्प हेल्प मांगना या प्लीज़ 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 लिखना, ये सब चीज़ें बहुत अवॉइड करनी है, क्योंकि ये प्रोफेशनल तरीका नहीं होता है। आप एक प्रोफेशनल के हिसाब से मांगो, प्रोफेशनल के हिसाब से आप अप्लाई करो, कवर लेटर बनाओ, उसमें मिस्टेक्स ना हो, ये सब अच्छा इंप्रेशन बनाओ, ओवरऑल इंप्रेशन अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहो। आपको आज नहीं तो कल, थोड़ा टाइम लगता है इस चीज़ को, क्योंकि ये क्या है, कितना भी अच्छा, कितना भी 30 मार्क का हो, कितना भी बड़ा बड़ा से बड़ा प्रोफेशनल हो, उसको भी जॉब सर्च करने में अपनी मैचिंग, अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी मैचिंग पोजीशन ढूंढने में टाइम तो लगता ही है, और टाइम लगने वाला ही है, ये आप दिमाग में रखो। टाइम ऐसा नहीं कि कोई शॉर्टकट है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, तो प्लीज़ ये आप अपने दिमाग से निकाल दो कि इसका कोई शॉर्टकट है, किसी को बोल देंगे तो काम हो जाएगा। आपको इसके पीछे एक डिटर्मिनेशन, एक दिमाग में एक डिटर्मिनेशन को तय करके, एक कंटिन्यूस एफर्ट्स लगा के आपको ये करना है, और इसी से ये काम होने वाला है, इसका और कोई तरीका नहीं है। आप किसी को पैसे दे के शॉर्टकट आप करोगे कि मैंने पैसे दे दिया हो जाएगा, 10,000 दे दिए, 15,000, वो पैसे आपके डूबने वाले हैं, क्योंकि वो उस पैसे का कोई मतलब नहीं है। तो पैसे आप खर्चा ना करें, कोई आपको झांसा देता है कि 10,000 15,000 दे दो, 20,000 दे दो, तो आप वो झांसे में ना आए। आप प्लीज़ इसके पीछे आप पैसा कौन सा खर्चा करें जहाँ पे आपको वर्थ लगता है, कि जैसे कोई सॉफ्टवेयर आप ले रहे हो, या जैसे वर्ड हुआ या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हुआ या ये, वो उसमें आप पैसा खर्चा कर रहे हो, या कहीं आप जैसे लिंक्डइन है, बैठ है, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट थोड़ा बहुत खर्चा कर रहे हो, वो अलग चीज़ है। लेकिन आप किसी को अंडर द टेबल या एजेंट को किसी को पकड़ के, वो सब आजकल नहीं चलता है, पहले जैसा अभी नहीं रहा। एजेंट लोग जो भी हो, नाम के एजेंट हैं, पैसा लेके गायब हो जाने वाले लोग हैं, तो वो सब आप अवॉइड करें। तो आज की मेरी ये वीडियो ये ख़त्म हो रही है। इसमें मैंने कवर किया है टॉपिक, एक तो कवर लेटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ग्रामर के बारे में, ग्रामर आपको सुधारना है अपना, अपनी लैंग्वेज सुधारनी है, अपनी प्रोफेशनलिज्म लानी है। ये सब आप कीजिए, ये सब टिप्स बहुत काम की टिप्स हैं, ये आप कीजिए, आपको ज़रूरत इससे ज़रूर फ़ायदा होगा, ज़रूर सक्सेस मिलेगी। मैं आपको सबको विश करता हूँ, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय।